चलिए स्टूडेंट, अब हम कैप्सिड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैप्सिड जो होता है प्रोटीन की शीट होती है, कवरिंग होती है। तो कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का कोट होता है, कवरिंग होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है वायरल जीनोम को अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प द वायरस टू एंटर इन टू द होस्ट सेल। और जो कैप्सिड है वो वायरस की हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर एंटर करने में। कैप्सिड हेल्प इन असेंबली, असेंबली में हेल्प करता है, पैकेज वायरल जीनोम की पैकेजिंग में हेल्प करता है। देखिए, वायरल एप्लीकेशन के दौरान वायरल जीनोम की पैकेजिंग और उसको असेंबल करना कैप्सिड हेल्प करता है वायरस की, ना कैप्सिड का काम है। हम इसको नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैप्सिड इज दैट इट इंक्लूड अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैप्सिड का ये है कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इंड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है होस्ट में। ठीक है, द कैप्सिड एक्ट एज अ एंटीजन इन द होस्ट। जो कैप्सिड है होस्ट के अंदर एक एंटीजन की तरह एक्ट करेगा और इन्वोक करेगा एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या शो करेगा? एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस ऑफ द होस्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। देखिए, एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून क्या होता है? एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये ना होस्ट पहली बार जब वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो जो फर्स्ट लेयर होगी डिफेंस की होस्ट में वायरल इन्फेक्शन से, वो एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, यानी जो पहली बार वायरल इन्फेक्शन होने से होस्ट को डिफेंस करेगी, बचाएगी, वो होगा एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून। राइट, एंटीबॉडी लॉक ऑन टू द आउटर सरफेस प्रोटीन ऑफ वायरस। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लॉक करेंगी आउटर सरफेस जो होता है प्रोटीन का, वायरस का जो आउटर सरफेस है प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? लॉक करेंगी। ठीक है, और क्या करेंगी? प्रिवेंट करेंगी उसको होस्ट सेल में एंटर ना हो पाए। ठीक है, द कैप्सिड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मैम नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो कैप्सिड है वो कंस्ट्रक्टेड होता है बहुत सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड करके कैप्सिड बनता है। दी स्ट्रक्चरल सब यूनिट दैट आर कॉल्ड प्रोटोमर्स। और उस स्ट्रक्चरल सब यूनिट को कहते हैं हम प्रोटोमर्स। प्रोटोमर्स, कोई पूछेगा आपसे प्रोटोमर्स क्या होते हैं, तो प्रोटोमर्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज अराउंड द जीनोम इन अ प्रिसाइज एंड रेपिटेटिव पैटर्न। देखिए, जो प्रोटीन्स हैं या प्रोटोमर्स कहें जिसे हम, ये अरेंज होते हैं जीनोम के अंदर रेपिटेटिव पैटर्न में। सम वायरस हैव सिंगल टाइप ऑफ प्रोटोमर्स इन देयर कैप्सिड। देखिए, कुछ वायरस जो होते हैं उनके अंदर प्रोटोमर्स जो होता है वो सिंगल टाइप का होता है। ठीक है, उनके कैप्सिड में प्रोटोमर्स जो होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं कुछ वायरसेस में। ठीक है, मैनी अदर वायरसेस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स। और कई वायरस ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं अलग तरीके के प्रोटोमर्स। ठीक है, प्रोटोमर्स क्या है? स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स जो कि दैट असेंबल टू फॉर्म अ लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स। जिनको असेंबल करके, अरेंज करके एक लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स प्रोटीन कोट बनाया जाता है, जिसको हम कहेंगे अब कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स क्या, ध्यान सुनना, क्या होता है? कई वायरसेस में क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स को असेंबल करके वो फॉर्म करते हैं लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स प्रोटीन कोट के, जिसको हम कैप्सोमर्स कह रहे हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियो कैप्सिड ऑल्सो गिव सिमेट्री टू द वायरस। देखिए, इनकी शेप, स्ट्रक्चर और न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड मैंने आपको बताया था ना, जब मैं कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड साथ में बोलेंगे तो हम उसको न्यूक्लियो कैप्सिड बोलेंगे ना, जो कि वायरस को एक सिमेट्री प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है,